press the bell icon to never miss a video from theory to practical. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है क्लिपर्स। तो क्लिपर्स से आप क्या समझते हैं? क्लिपर्स जब वर्ड आता है आपके सामने, क्लिपर, तो क्लिपर से आप क्या समझते हैं? यहाँ पे गौर कीजिए, क्लिप, क्लिप समझते हैं आप, जैसे एक मूवी की क्लिप। तो मूवी की क्लिप का मतलब क्या होता है? पूरी मूवी होता है या मूवी का छोटा सा पार्ट होता है? मूवी का छोटा सा पार्ट होता है। तो क्लिप मतलब होता है पार्ट, मतलब हिंदी में कहते हैं भाग उसका। और क्लिपर मतलब क्या हुआ कि क्लिपर सर्किट का मतलब क्या हुआ? क्लिपर सर्किट का मतलब हुआ वो सर्किट जो किसी के पार्ट को, किसी के भाग को क्या कर रहा है, कट कर रहा है, क्लिप को रिमूव कर रहा है। अब यहां पे देखो, यहां पे हम बात कर रहे हैं मूवी की, नहीं बात कर रहे हैं, यहां पे हम बात किसी वीडियो की नहीं कर रहे, बात यहां पे किसी कर रहे हैं, अपन एक सर्किट की कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा सर्किट जो क्या कर रहा है, एक पार्ट को रिमूव कर रहा है। कौन से पार्ट को रिमूव कर रहा है? एक इनपुट सिग्नल को। तो बेसिकली आप देखो, यहां पे ये आपका है इनपुट सिग्नल, ये आपका है क्लिपर। अब आपने इस क्लिपर सर्किट को, ये इनपुट सिग्नल आपको आपने दिया, और एज पर इट्स डिजाइन, इसकी डिजाइन के अकॉर्डिंग इसने इनपुट सिग्नल में क्या करी, कटिंग करी। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये, अब देखो इसमें टाइप ऑफ क्लिपर क्या होंगे, एक होता है पॉजिटिव क्लिपर और एक होता है नेगेटिव क्लिपर। क्या बोला मैंने? एक होता है पॉजिटिव क्लिपर और एक होता है आपका नेगेटिव क्लिपर, ठीक है। दो सर्किट की बात मैं कर रहा हूं, पॉजिटिव क्लिपर और नेगेटिव क्लिपर। अब यहां पे देखो, स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम आती है वो क्या प्रॉब्लम आती है, स्टूडेंट अभी तो पढ़ लेते हैं पर एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो पॉजिटिव क्लिपर है वो पॉजिटिव पार्ट की वेव फॉर्म को आउटपुट में जाने देता है या पॉजिटिव पार्ट को वो रिमूव कर देता है, ठीक है। ऐसे नेगेटिव क्लिपर में एग्जैक्टली क्या होता है, तो ये चीज आपको समझनी है जो कि बहुत जरूरी है। यहाँ पे क्या पॉइंट आपको समझना है कि पॉजिटिव क्लिपर क्या करता है और नेगेटिव क्लिपर क्या करता है। तो पॉजिटिव क्लिपर कौन सा पार्ट क्लिप करता है, कौन सा पार्ट को हटाता है? रिमूव, रिमूव पॉजिटिव पार्ट, रिमूव पॉजिटिव पार्ट। और नेगेटिव क्लिपर क्या करता है, लिख लीजिए, रिमूव नेगेटिव पार्ट। तो अभी तक हमने जो जाना, जो समझा, जो हम पढ़ रहे हैं अभी, वो क्या पढ़ रहे हैं, क्लिपर सर्किट जो क्या करता है, क्लिप करता है, रिमूव करता है एक पार्ट को। और हम ये देख रहे हैं क्या करता है, इनपुट सिग्नल से क्लिप करता है, ये हमने देखा। और हमने देखा कि ये दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव क्लिपर और नेगेटिव क्लिपर। तो जहां पे पॉजिटिव क्लिपर और नेगेटिव क्लिपर की डेफिनेशन जो है वो ये है कि पॉजिटिव क्लिपर रिमूव करता है कौन से पार्ट को, पॉजिटिव पार्ट को, और नेगेटिव क्लिपर रिमूव करता है नेगेटिव पार्ट को। ये आपने समझा। अब किस प्रकार से, क्या इसका सर्किट होता है, वो चीज मैं बताता हूं। एक बार आप इधर गौर कीजिए, आपने ये लिख लिया होगा, अब मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव क्लिपर क्या कर रहा है, पॉजिटिव पार्ट को रिमूव कर रहा है। तो मान लीजिए कि आपकी इनपुट सिग्नल कुछ इस प्रकार की, आपकी इनपुट सिग्नल है, देख रहे हो, इसको आपने, इस इनपुट को, ये क्या है आपका इनपुट है, और ये आपका क्या है, क्लिपर। कौन सा?
पॉजिटिव क्लिपर सर्किट में आपने इसको फीड कराया। तो जो पॉजिटिव क्लिपर का मतलब क्या हो गया कि पॉजिटिव पार्ट को ये रिमूव कर देगा और मतलब नेगेटिव पार्ट इसमें ओनली रह जाएगी, ऊपर का पार्ट इसमें कट जाएगा। ठीक है, अब देखो नेगेटिव क्लिपर सर्किट में क्या होगा, नेगेटिव क्लिपर सर्किट में क्या होगा, अगर आपकी इनपुट कुछ इस प्रकार से आ रही होती, समझ में आ रही है बात, तो जो नेगेटिव पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, इसको वो कैची निकाल के उसको वो कट कर देगा। तो इसका जो आउटपुट आता, नेगेटिव क्लिपर नेगेटिव पार्ट को हटा रहा है और पॉजिटिव पार्ट को वो एज इट इज जाने दे रहा है इस प्रकार से। ठीक है, अच्छा ये बताओ कि क्लिपर सर्किट में क्या फ्रीक्वेंसी चेंज हुई या फ्रीक्वेंसी सेम रही? फ्रीक्वेंसी सेम रही, ये भी पॉइंट आपको नोट करना है कि क्लिपर सर्किट से जो फ्रीक्वेंसी जो लेवल है वो क्या रहेगा, वो आपका सेम रहेगा, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे सेम रहेगी, क्योंकि ये चीज यहाँ से शुरू हुई, फिर यहाँ पे आई, फिर यहाँ पे आई, तो ये इसका एक पूरा टाइम पीरियड है और यहाँ पे भी ये इसका एक यही पूरा टाइम पीरियड रहता है। तो क्लिपर सर्किट में फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, पर बात ये है कि वो क्या करेगा, एक क्लिप करेगा, एक पार्ट को वो रिमूव करेगा, ये आपको समझ में आया। अब देखो स्टूडेंट्स, ये हमने अभी समझा कि क्लिपर सर्किट का फंक्शन क्या है, ये हमने समझा, अब हम ये भी समझेंगे कि क्लिपर सर्किट बनता कैसे है। कोई सर्किट हमको दिया गया है तो वो पॉजिटिव क्लिपर है, नेगेटिव क्लिपर है, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, वो एग्जैक्टली कैसे फंक्शन करता है। यहाँ पे हमने क्या जाना, यहाँ पे हमने जाना है कि मोटा मोटा एक क्लिपर आपका कैसे काम करता है, क्या काम करता है, पर अब हम जानेंगे कैसे काम करता है, अब हम क्या जानेंगे कैसे काम करता है। यहाँ तक आपको मेरे ख्याल से काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, अब मैं इसको रिमूव करता हूँ। अच्छा, अब ये समझो कि इसका जो यूज़ है, अब आपके दिमाग में ये भी आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो आना चाहिए कि यार क्लिपर सर्किट अपन पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई चीज़ बनी है तो इसका कोई एप्लीकेशन तो होता होगा, क्यों ये चीज़ बनी है, क्यों ये चीज़ हमको पढ़ाई जाती है, क्यों किताबों में लिखी है, तो इसका कुछ रोल होगा, कुछ एप्लीकेशन होगी। ठीक है, तो क्या एप्लीकेशन है आपके क्लिपर सर्किट की, क्या इसकी एप्लीकेशन है क्लिपर सर्किट की, ये बताओ। देखो क्लिपर सर्किट की एप्लीकेशन बहुत टाइप की एप्लीकेशन है, एक तो आप देखो वेव शेपिंग, क्या बोला मैंने, वेव शेपिंग में इसकी नीड रहती है, मतलब कि वेव फॉर्म हमको दे रखी है इनपुट की, पर हम जो डिज़ायर्ड शेप है, जो शेप हम चाहते हैं, वो कुछ अलग शेप चाहते हैं उसमें से, तो उसकी शेप को कट करना, तो उसके लिए हमको क्लिपर सर्किट की यूज़ होगी। जैसे कि संगमरमर का पत्थर है, उससे अपन को मूर्ति निकालनी है, तो संगमरमर पत्थर क्या है, आउटपुट इनपुट है, मूर्ति क्या है, आउटपुट है, तो अपन क्या कर रहे हैं, उसमें से क्लिप कर रहे हैं और उसको क्या निकाल रहे हैं, मूर्ति निकाल रहे हैं, राइट। तो जो डिज़ायर्ड शेप है वो हम उसमें चाह रहे हैं, वेव शेपिंग के लिए चाह रहे हैं। मान लीजिए आपकी इनपुट, आपकी कुछ इस प्रकार की इनपुट आ रही है, पर आप इस प्रकार की इनपुट नहीं चाहते, आप चाहते हैं आउटपुट में कुछ इस प्रकार का इनपुट आप चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, इस प्रकार से आप वेव शेपिंग का एग्जांपल है ये, आप जो डिज़ायर्ड जो है ना, जो वांछित जो आपकी आउटपुट है वो आप यहाँ पे निकाल रहे होंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब समझो बात को कि कम्युनिकेशन में इसका यूज़ होता है, किसमें, कम्युनिकेशन में। कम्युनिकेशन मतलब समझते हो, जहाँ हम डेटा को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को हम भेजते हैं, तो जब हम डेटा को एक जगह से दूसरी जगह हम भेजते हैं तो क्या होता है, देखो ध्यान से, ये हम कम्युनिकेशन चैप्टर में भी हम इसको कवर करेंगे। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास में ये सिग्नल है, क्या है ये, इस प्रकार का मेरा ऐसा सिग्नल जा रहा है मस्सा, ठीक है। अब देखो जो सिग्नल की जो नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, वो आपके पॉजिटिव पार्ट में भी है और वही आपके नेगेटिव पार्ट में भी है, वो आपके पॉजिटिव पार्ट में भी है और वो आपके नेगेटिव पार्ट में है, मतलब कि सेम इन्फॉर्मेशन जो है हम इस प्रकार से भेज रहे हैं कि ऊपर भी है और नीचे भी है, ऊपर भी नीचे भी है, इस प्रकार से आप सिग्नल भेज रहे हो, ठीक है। पर आप कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेज रहे हो तो इट रिक्वायर्स एनर्जी, राइट, आपको उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी और एनर्जी उसको सप्लाई करनी पड़ती है, तब जाके वो सिग्नल ट्रांसमिट होता है। तो आपने सोचा कि अगर मैं इस नेगेटिव पार्ट को हटा दूं, सिर्फ पॉजिटिव पार्ट को ट्रांसमिट करूं, तो जो इन्फॉर्मेशन का जो डेटा पैकेट है वो मेरा यहाँ पे मुझको मिल रहा है, ठीक है। अब मेरे को क्या करना पड़ रहा है, कितना
कितना डेटा भेजना पड़ रहा है, ये ऊपर वाला डेटा भेजना पड़ रहा है, नीचे वाला डेटा मुझको नहीं भेजना पड़ रहा है, तो एनर्जी मुझको कम लगेगी, राइट। तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं उसके बैंड को हटाने के लिए, कम्युनिकेशन में इसका हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। अब समझो एक बात, इसके साथ में सर्किट प्रोटेक्शन, क्या क्या बताया मैंने, सर्किट प्रोटेक्शन में भी इसका यूज़ होता है, सर्किट प्रोटेक्शन में भी इसका यूज़ होता है। सर्किट प्रोटेक्शन में इसका यूज़ बहुत होता है, और उसको हम डायोड क्लैंप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डायोड क्लैंप बोलते हैं। सर्किट प्रोटेक्शन में इसका यूज़ कैसे होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो कोई सेंसिटिव सर्किट है, क्या कोई सेंसिटिव सर्किट है, और वो सर्किट ऐसा है कि भैया मेरे को तो आप जो है एक वोल्ट से, क्या एक वोल्ट से अगर मुझको ज़्यादा वोल्टेज मिल गई तो मैं तबाह हो जाऊँगा, मैं बर्बाद हो जाऊँगा, है ना। कोई सर्किट है आपका, यहाँ पे मैं लिख लूँ, देखो कोई सर्किट है, सेंसिटिव सर्किट है, नाजुक कोमल सर्किट है, सेंसिटिव सर्किट है, और ये बोल रहा है मुझको आप जो है प्लस माइनस वन वोल्ट के बीच का सिग्नल तक तो मैं सहन कर पाऊँगा, पर अगर वन वोल्ट से अगर आपने ऊपर वोल्टेज मुझको दे दी या माइनस वन से मुझको कम वोल्टेज आपने दे दी तो मैं क्या है, नष्ट हो जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, डैमेज हो जाऊंगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है इसमें, आपका जो सिग्नल आ रहा है इस सेंसिटिव सिग्नल में, सर्किट में जो सिग्नल आ रहा है वो मान लीजिए मात्र 15 मिली वोल्ट का ये सर्किट है, ठीक है। बेसिकली ये सिग्नल का जो इनपुट रहता है सर्किट का 15 मिली वोल्ट रहता है, क्या रहता है, 15 मिली वोल्ट रहता है। कहने का मतलब समझो कि ये सर्किट है, एक मिनट इसको मैं, ये आपने लिख लिया हो, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। कम्युनिकेशन और वेव शेपिंग मैंने समझा दिया, अभी इसको भी मैं आपको बताऊंगा, पर आप समझो कि मेरा ये सेंसिटिव सर्किट है, और ये सेंसिटिव सर्किट क्या है, मेरा 15 मिली वोल्ट का सिग्नल ले सकता है, क्या 15 मिली वोल्ट का सिग्नल ले सकता है। अब खुदा ना खास्ता ऐसा हो गया कि इसको किसी कारण नॉइज मिल गई और यहाँ पे एकदम से कुछ सर्किट में वोल्टेज इसकी क्या हो गई, एकदम से अप हो गई, क्या हो गई, अप हो गई। अब जो क्लिपर सर्किट रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा, आपने इसमें क्लिपर लगा दिया है, ये 15 मिली वोल्ट है, मात्र 15 मिली वोल्ट पीक का सिग्नल है मात्र, ठीक है। आपने इसमें मान लीजिए एक वोल्ट का क्लिपर लगा दिया है, ये सिग्नल आपका 10 वोल्ट का गया, ये एक वोल्ट के सिग्नल को बर्दाश्त कर सकता है, तो क्या होगा कि जैसे ही वोल्टेज आपकी एक वोल्ट तक तो सिग्नल इसको जाने देगा, और जैसे ही एक वोल्ट से 10 वोल्ट या एक वोल्ट से ज़्यादा के सिग्नल को क्या कर देगा, ये क्लिप कर देगा, क्या कर देगा, क्लिप कर देगा, यहाँ से इसको हटा देगा, यहाँ से इसको हटा देगा, ठीक है। अब ये सेंसिटिव सर्किट क्या हो गया, बच गया, प्रोटेक्शन हो गया, ठीक है। तो हम बेसिकली बात क्या कर रहे हैं कि हम डेटा को, वेव फॉर्म को कटिंग कर रहे हैं वेव शेपिंग के लिए, कम्युनिकेशन में और हमारे सिग्नल के प्रोटेक्शन में, सॉरी सर्किट प्रोटेक्शन में, ठीक है। ये बात आपने समझी, समझ में आ गई आपको कि नॉइज़ को हटाने में या फिर कोई हाई वोल्टेज के सिग्नल को हटाने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ क्लिपर सर्किट यूज़ कर रहा हूँ। तो अभी हमने काफ़ी चीज़ पढ़ ली है, क्लिपर सर्किट क्या है, एक पार्ट को हटाना जिसमें पॉजिटिव क्लिपर है, नेगेटिव क्लिपर है, पॉजिटिव क्लिपर पॉजिटिव पार्ट को हटा रहा है, नेगेटिव क्लिपर नेगेटिव पार्ट को हटा रहा है, और इसकी एप्लीकेशन हमने कम्युनिकेशन में पढ़ी, हमने इसमें आपको वेव शेपिंग में पढ़ी, और हमने इसकी एप्लीकेशन सर्किट प्रोटेक्शन में पढ़ी, ठीक है। अब देखो एक है पॉजिटिव क्लिपर और एक है आपका नेगेटिव क्लिपर। अब इसका जो डायग्राम बनाते हैं बच्चे लोग तो रटते हैं वो लोग कि भाई यार ये पॉजिटिव क्लिपर में डायोड इस डायरेक्शन में होगा या इस डायरेक्शन में होगा, ऐसे उनको रटते हैं वो लोग। आपको रटना नहीं है, इसके लिए मैं आपको कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर एक लगता है RS लगता है, यहाँ पर एक डायोड इस प्रकार से लगता है पॉजिटिव क्लिपर में, राइट। और यहाँ पे आप जो है आपका क्या है RL है। आपको रटना नहीं है, मैं ये नहीं चाहता कि आपको रटाऊंगा, मैं आपको लॉजिक बताऊंगा मैं कि ये सर्किट कैसे काम करता है। यहाँ पे आपका क्या है V इनपुट है, राइट। ये देख रहे हो सर्किट, देख लो आप बच्चों, ये सर्किट है आपका, ये V इनपुट है, ये RS है, ये डायोड है, ये डायोड की डायरेक्शन आप देख रहे हो, गौर कीजिए, ये आपका RL है, मतलब कि लोड रजिस्टर है जिसके अक्रॉस आपको क्या लेना है, V आउट लेना है,
ठीक है, पॉजिटिव क्लिपर का ये सर्किट है, कैसे काम करता है मैं अभी आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो। अब नेगेटिव क्लिपर की मैं बात कर रहा हूँ आपसे, तो नेगेटिव क्लिपर में क्या है, ये रेजिस्टेंस है RS, ये यहाँ पे डायोड इस डायरेक्शन में जाएगा, ये आपका Vin है और ये आपका जो है RL है और ये आपका क्या है Vout, मतलब वोल्टेज आप यहाँ से आप ले रहे हो, ये आपका आउटपुट साइड से, ठीक है। ये पॉजिटिव क्लिपर है, ये नेगेटिव क्लिपर है, दोनों में डिफरेंस देख रहे हो, दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे डायोड की डायरेक्शन देख रहे हो इस टाइप से है, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है ना, और इसमें डायोड की डायरेक्शन कैसे जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। अब देखो डिफरेंस समझो बात क्या है, अभी मैं फॉर द इजी अंडरस्टैंडिंग में लेके चलता हूँ कि जो डायोड है आपका वो आइडियल डायोड है। आइडियल डायोड जब मैं बोलता हूँ तो कहने का मतलब क्या होता है समझते हो आप, उसका मतलब होता है कि जो उसकी जो बैरियर वोल्टेज है वो एक्चुअली में 0.7 होती है, किसी में 0.5 होती है, पर आइडियल वोल्टेज में मानता हूँ कि इसकी जो बैरियर वोल्टेज है वो जीरो है, ठीक है। फिर उसके बाद हम जो रियल डायोड होता है 0.7 वोल्टेज लेके भी हम लोग इसमें चलेंगे, पर पहले आप एक डायोड समझो कि एक सिंपल डायोड है ये, जैसे ही इसको पॉजिटिव वोल्टेज मिलेगी तो ये कंडक्ट कर जाएगा, ऐसा समझो आप, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, आप ये समझते हो कि पॉजिटिव साइकिल आई और नेगेटिव साइकिल आई, पॉजिटिव आई नेगेटिव आई, इस प्रकार से आपने क्या डाला इसमें, वी इनपुट आपने इसमें दिया, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपकी है वैल्यू वीपी है, ये वैल्यू आपकी माइनस वीपी है, दिखाई दे रहा है आप सभी को यहाँ पे ये एक सिग्नल आ रहा है, ठीक है। सिग्नल के ऊपर क्या है, वीपी है, ये क्या है आपका माइनस वीपी है, ये आपका वीपी इसकी लिमिट है, ठीक है। आप ध्यान से देखो इस बात को कि जब इसकी पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी तब क्या होगा, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी इस टाइप से, ठीक है, जब इस प्रकार से पॉजिटिव हाफ साइकिल इसमें आएगी, मतलब वोल्टेज जो है यहाँ पे जीरो से ज़्यादा होगी, पॉजिटिव मतलब जीरो से ज़्यादा, जब ये वोल्टेज जीरो से ज़्यादा होगी तो ये जो डायोड है फॉरवर्ड बायस होगा। आइडियल डायोड की मैं बात कर रहा हूँ, जीरो बैरियर पोटेंशियल है, अदरवाइज तो 0.7 के ऊपर होता, पर आइडियल डायोड का केस लोगे आप तो क्या होगा, ये कंडक्ट कर जाएगा डायोड, ठीक है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये डायोड कैसे एक्ट करेगा, एज अ शॉर्ट की तरह काम करेगा, राइट, शॉर्ट की तरह काम करेगा, तो मैं इसको शॉर्ट की तरह लूंगा। जब नेगेटिव हाफ साइकिल होगी, क्या बोला मैंने, जब नेगेटिव हाफ साइकिल होगी इस टाइप से, तब ये डायोड कनेक्ट करेगा नहीं करेगा, डायोड कैसे कनेक्ट करेगा, डायोड एज अ ओपन सर्किट काम करेगा, कैसे, ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। देखो यहाँ पे मैं आपको बना के बताता हूँ, जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी ना, तो ये डायोड जो है आपका इस प्रकार से शॉर्ट की तरह काम करेगा, दिखाई दे रहा है सभी को, और जब अगर ये नेगेटिव हाफ साइकिल रहेगी ना, इस दौरान क्या रहेगा, ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, क्या, ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। ये बात सभी को समझ में आ रही होगी मेरे ख्याल से, तो मुझको ये बताओ कि भाई मैं तो ये वी आउट की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगी तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, ये पॉइंट शॉर्ट हो जाएंगे, इस प्रकार से क्या हो जाएंगे, शॉर्ट हो जाएंगे। जब ये शॉर्ट हो जाएंगे तो मुझे बताओ, अगर वोल्टेज अगर जीरो में यहाँ पे मान के चलता हूँ हमेशा, अगर मैं इस पॉइंट को जीरो वोल्टेज लेके चलता हूँ, तो मुझे बताओ यहाँ पे वोल्टेज कितनी मिलेगी मेरे को, जीरो वोल्टेज मिलेगी ना, शॉर्ट है दोनों सेम कॉमन पोटेंशियल पे, तो मैं क्या बोलूँगा, जीरो वोल्टेज मिलेगी सर मेरे को। तो मेरा आउटपुट क्या रहेगा यहाँ पे, ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल जो मेरा आउटपुट रहेगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा जीरो रहेगा, दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको, वो क्या रहेगा, पॉजिटिव साइकिल के दौरान आउटपुट मेरा जीरो रहेगा, क्या रहेगा, जीरो रहेगा, राइट। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, जब ये नेगेटिव हाफ साइकिल रहेगी, इस प्रकार की नेगेटिव हाफ साइकिल रहेगी, तो ये जो नेगेटिव हाफ साइकिल में जो वोल्टेज आ रही है यहाँ पे, जो भी वोल्टेज आ रही है, डायोड कैसे वर्क कर रहा है, ये ओपन हो गया, ठीक है। तो जो वोल्टेज आप यहाँ अप्लाई कर रहे हो वही वोल्टेज यहाँ पे आपको मिल जाएगी, जो वोल्टेज आप यहाँ अप्लाई कर रहे हो वही वोल्टेज आपको यहाँ पे मिल जाएगी, यानी कि आपका सर्किट इस प्रकार से हो गया, ठीक है। ये सभी को समझ में आ गया, ये सभी को समझ में आ गया कि जो हमारी पॉजिटिव क्लिपर है तो इसमें क्या हो रहा है, पॉजिटिव साइड में क्लिपरिंग सर्किट में क्या हो रहा है, वोल्टेज शॉर्ट हो जा रही है, डायोड शॉर्ट हो जा रहा है, और यहाँ पे वोल्टेज कितनी मिल रही है आपको, जीरो मिल रही है, क्योंकि ये पॉइंट आपका क्या है, जीरो पोटेंशियल पे है, जब शॉर्ट कर दोगे तो ये जीरो पोटेंशियल पे हो जाएगा। जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी तब डायोड आपका ओपन की तरह एक्ट करेगा, तो जो यहाँ पे वोल्टेज है वो यहाँ पे वोल्टेज आपको
मिलेगी, राइट। तो समझ में आ गया सभी को पॉजिटिव क्लिपर आपका कैसे काम करेगा। अब मुझको ये बताओ आप कि सर जी आप ये बताओ, RL तो आपने यूज़ किया था, मुझको समझ में आ रहा है, राइट। RL तो आपका लोड रजिस्टर है, जो मतलब एक लोड है, TV पंखा कुछ भी एक प्रकार का लोड है। ये RS आप क्यों यूज़ कर रहे हो, एनीबडी? ये RS हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, ये सीरीज में एक रजिस्टेंस हम यूज़ कर रहे हैं, क्यों यूज़ कर रहे हैं बताएंगे कोई? सीरीज में रेजिस्टेंस क्यों यूज कर रहे हैं बताओ, सोचा है कि भाई इस रेजिस्टेंस का यहाँ पे क्या रोल है? ये जो रेजिस्टेंस है ना RS, इसका बहुत बड़ा रोल है। आप समझो बात को, जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल रहेगी और जब आपका ये डायोड शॉर्ट की तरह काम करेगा, और अगर आप RS की वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं लोगे, ठीक है, तो ये जो आपने जो इनपुट वोल्टेज यहाँ पे दिया है, ये जो आपने इनपुट वोल्टेज यहाँ पे प्रोवाइड करी है, तो ये क्या हो जाएगा, इनपुट वोल्टेज आपकी शॉर्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी, और हाई करंट जाएगी यहाँ से, क्योंकि रेजिस्टेंस तो होगा नहीं। तो I क्या होता है, V/R होता है, तो रेजिस्टेंस अगर जीरो है तो I बहुत ज़्यादा करंट जाएगी, तो ये सर्किट आपका क्या हो जाएगा, इनपुट वोल्टेज क्या हो जाएगी आपकी, शॉर्ट भी हो सकती है, और इसका जो सोर्स है वो डैमेज भी हो सकता है। तो उसके बचाने के लिए हमने एक लिमिटिंग रेजिस्टेंस लगाते हैं यहाँ पे RS। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि जो RS की वैल्यू होती है, ये हमको केयरफुली चूजन करनी पड़ती है। अभी एक्चुअली जब आप क्लिपर सर्किट पढ़ते हो, तब आप तो बस यार RS लगा हुआ है, यार RL लगा हुआ है, पर एक्चुअल में जब डिज़ाइन करते हो, तो आपको इम्पोर्टेंट होता है कि RS की वैल्यू क्या हो। अगर RS की वैल्यू बहुत कम होगी, तो ये ज़्यादा करंट खा जाएगा, उसको भी लिमिट करना है। तो सर एक काम करो, RS की वैल्यू को ज़्यादा करते, सर RS की वैल्यू को 1 MΩ कर दो, सर बहुत कम करंट जाएगी। अरे भाई मेरे, अगर RS की वैल्यू को हमने बहुत ज़्यादा कर दिया, तो समझो आप जब नेगेटिव ऑफ साइकिल रहेगी, तो एज अ लोड की तरह एक रजिस्टेंट ये हो जाएगा, समझे क्या हो जाएगा, ये एक लोड रजिस्टेंट को और ऐड करेगा। और क्लिपर सर्किट ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई भी सर्किट ऐसा नहीं होना चाहिए जो करंट को विड्रॉ करे, वेस्ट करें, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो इस RS की वैल्यू भी बहुत केयरफुली चूजन करनी पड़ती है। तो समझ में आ गई आपको बात कि RS क्यों यूज़ किया, और ये डायोड हम किस प्रकार से पॉजिटिव क्लिपर में यूज़ कर रहे हैं, और इस प्रकार से सर्किट इसका आपका हो रहा है, ऐसे क्लॉकवाइज ये डायरेक्शन हमने इसमें बनाया हुआ है। तो अभी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, मेरे ख्याल से याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुद अगर बना के देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। सर पॉजिटिव क्लिपर रहेगा तो पॉजिटिव वाली जो डायोड जो है शॉर्ट हो जाएगा पॉजिटिव साइकिल में, और ये शॉर्ट की तरह है, तो यहाँ 0 वोल्ट है, इसलिए 0 वोल्ट है, और आपको 0 वोल्ट यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। काफ़ी है, इनफ फॉर पॉजिटिव क्लिपर माई फ्रेंड्स। नाउ मूव ऑन टू दिस नेगेटिव क्लिपर। सो सी नेगेटिव क्लिपर में क्या होगा, नेगेटिव क्लिपर में क्या हो रहा है, सेम चीज़ हो रही है भाई मेरे। नेगेटिव क्लिपर में क्या हो रही है आपकी, इस प्रकार से वोल्टेज आपकी आ रही है, ठीक है, ध्यान से देखना। नेगेटिव क्लिपर में क्या हो रही है, इस प्रकार से वोल्टेज आपकी इनपुट है, क्या है ये, वी इनपुट वोल्टेज है। अब आप देखो जब ये पॉजिटिव रहेगी तो डायोड की पोजीशन क्या रहेगी, डायोड कैसा रहेगा आपका, ओपन रहेगा। क्यों ओपन रहेगा, क्योंकि इसकी जो पोटेंशियल है वो हायर है। डायोड क्या है, रिवर्स बायस्ड है, क्या है, रिवर्स बायस्ड है, और रिवर्स बायस में कैसे काम करेगा, ये ओपन की तरह काम करेगा, मतलब कि ये यहां से हट जाएगा, ठीक है। अब ये यहां से अगर ये ओपन की तरह काम करेगा, तो यहां पे जो वोल्टेज रहेगी वो क्या रहेगी, RL पे जो यहां पे इनपुट में वोल्टेज है, वो आपको आउटपुट में वोल्टेज मिल जाएगी, राइट। तो हमको पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो हमारा जो आउटपुट रहेगा, वो कुछ कुछ कैसा रहेगा, वो हमारा ऐसा आउटपुट आपको मिल जाएगा, ऐसा आपको आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो जो नेगेटिव हाफ साइकिल हुई आपकी, नेगेटिव हाफ साइकिल में हुई तब क्या हुआ, इसको देखो। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या हुआ, इसको हमको देखना है। तो नेगेटिव हाफ साइकिल का मतलब क्या होता है, ये समझो। नेगेटिव हाफ साइकिल का मतलब ये होता है कि यहाँ पे अगर ये वोल्टेज जीरो है, ठीक है, तो ये वोल्टेज आपकी क्या है, नेगेटिव है, क्या है, नेगेटिव है, क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। जीरो के रेस्पेक्ट में वोल्टेज क्या है, नेगेटिव है। अब डायोड कब कनेक्ट करता है, डायोड कब कनेक्ट करता है, जब ये पॉइंट हायर पोटेंशियल पे हो और ये लोअर पोटेंशियल पे हो, क्या, ये पॉइंट हायर पोटेंशियल पे हो, ये पॉइंट लोअर पोटेंशियल पे हो। ये लोअर पे है भाई, ये नेगेटिव है तो मतलब लोअर है, क्या, नेगेटिव है तो मतलब लोअर है। देखो कोई डायोड है, इस कॉन्सेप्ट को समझो, कोई डायोड है,
कोई डायोड है ऐसे, आपको डायोड कनेक्ट है, आप बोलेंगे सर मैंने यहाँ पे 2 वोल्ट कनेक्ट कर दिया, अब तो ये डायोड कंडक्ट ही नहीं कर सकता। अरे भाई यहाँ पे अगर आप 7 वोल्ट करोगे तब तो डायोड कनेक्ट करेगा ना। अगर ये डायोड है, आपने बोल दिया मैंने सर यहाँ पे 10 वोल्ट कर दी, तब तो डायोड कनेक्ट करेगा ही। अरे भाई अगर यहाँ पे 20 वोल्ट कर दूंगा तब थोड़ा डायोड कनेक्ट करेगा। बात ये है कि ये जो पॉइंट है हायर पोटेंशियल में होना चाहिए, समझे बात, ये वाला जो पॉइंट है पॉजिटिव प्लेट इसकी, ये हायर पोटेंशियल पे होनी चाहिए। अगर ये हायर पोटेंशियल पर है तो ये कंडक्ट कर जाएगा, कंडक्ट कर जाएगा मतलब कि फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। फॉरवर्ड बायस मतलब क्या, कैसे काम करेगा? शॉर्ट की तरह काम करेगा। कैसे काम करेगा? शॉर्ट की तरह काम करेगा। कैसे काम करेगा? शॉर्ट की तरह काम करेगा। अब देखो स्टूडेंट, जब ये शॉर्ट की तरह काम करेगा तो अगर यह यहाँ 0 वोल्ट है, ये शॉर्ट है, शॉर्ट मतलब सेम पोटेंशियल होता है, तो यहाँ पे भी क्या वोल्टेज आएगी? 0 वोल्ट आएगी। तो यहाँ पे आप समझे क्या होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में आपको जो आउटपुट मिलेगा, सॉरी पेन इज हेयर, यहाँ पे आपको ऐसा मिलेगा, अगेन पॉजिटिव हाफ साइकिल में ऐसा, फिर आपका ऐसे ही ये वर्क करेगा। ठीक है, इसके जो नोट्स हैं, इसको जो समरी है हम करेंगे अभी। आप सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझने में वक्त लगाओ कि कॉन्सेप्ट किस प्रकार से पढ़ाए जा रहे हैं, किस प्रकार से समझाया जा रहा है, पॉजिटिव क्लिपर कैसे काम करेगा और नेगेटिव क्लिपर आपका कैसे काम करेगा। तो ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से आप सब लोगों को क्लियर है। ठीक है, अभी हम बात कर रहे थे आइडियल डायोड की। किसकी बात कर रहे थे हम लोग? आइडियल डायोड की, जहाँ पे डायोड का जो बैरियर वोल्टेज है वो क्या है? 0 है। नाउ कम्स टू रियल डायोड। इन रियल वर्ल्ड में आते हैं जहाँ पे डायोड की कुछ पोटेंशियल है। मैं अभी पूरा इसका नोट्स आपको इसकी PDF दे दूंगा, आप उसकी टेंशन मत लो, नोट्स वोट्स मत बनाओ, हल्का सा कॉपी में लिख लो जो लिख रहे हो समझने के लिए, दैट्स इट। और उस नोट्स की PDF से आप पढ़ लेना, कोई बात नहीं, पर अभी आप फुल कॉन्सेंट्रेट करो समझने में, क्योंकि कई भी बच्चे क्या है सिर्फ नोट्स बनाने में कॉन्सेंट्रेट करते हैं, पढ़ने में कॉन्सेंट्रेट नहीं करते। तो एक बार आप कॉन्सेप्ट्स को समझो, उसके बाद नोट्स को गो थ्रू होंगे तो चीज़ को समझ में आएगा। ठीक है, अब हम बात करें तो यहाँ पर रियल डायोड की मैं बात करता हूँ आपसे, और मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पर आपसे पॉजिटिव क्लिपर की, मैं यहाँ पर आपसे बात करता हूँ। ठीक है, रियल डायोड और पॉजिटिव क्लिपर की मैं बात कर रहा हूँ। एक्चुअल में क्या होता है कि जब आप इनपुट इस प्रकार से देते हो, मान लीजिए ये 0 वोल्ट है, ये 20 वोल्ट है, और यहाँ पे आपका -20 वोल्ट है, राइट। ऐसा आपने इन पॉजिटिव क्लिपर सर्किट में दिया, क्लिपर पॉजिटिव क्लिपर RS, और ये आपका ऐसे, और ये आपका है RL करके, आपका यहाँ से है आपका वी आउट आप ले रहे हो, राइट। अब ये जो डायोड है इसका एक बैरियर पोटेंशियल है, मतलब कि इसका एक पोटेंशियल है 0.7 वोल्ट, इसका क्या है? बैरियर पोटेंशियल है, मतलब कि ये डायोड तभी कंडक्ट करेगा जब इसकी वोल्टेज क्या होगी? 0.7 वोल्ट से ज़्यादा होगी। इसके अक्रॉस मतलब पॉजिटिव वोल्ट यहाँ पे और नेगेटिव के बीच में जो गैप होना चाहिए 0.7 के ऊपर होगा, तभी डायोड आपका कंडक्ट करेगा। ठीक है, अब ध्यान से समझना, पॉजिटिव क्लिपर की मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले समझो कि वोल्टेज पहले 0 थी। क्या थी वोल्टेज? 0 थी। जब वोल्टेज 0 थी यहाँ पे, ठीक है, तो आउटपुट में ये डायोड कनेक्ट करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि 0.7 का इसको गैप चाहिए। क्या गैप चाहिए इसको? 0.7 का चाहिए। फिर आपने वोल्टेज बढ़ा दी, आप देखो यहाँ पे, देखो वोल्टेज आपकी यहाँ पे 0 है, ठीक है, यहाँ पे 0.1 है, यहाँ पे 0.7 है। ठीक है, अब 0 से लेके 0.7 के बीच, क्या बोला मैंने? 0 से लेके 0.7 के बीच ये डायोड आपका कंडक्ट नहीं करेगा। डायोड कंडक्ट करने के लिए 0.7 वोल्टेज होगी, तब डायोड आपका कंडक्ट करेगा। ठीक है, तो ये सर्किट कैसे काम करेगा? 0 से लेके 0.7 वोल्टेज के बीच कैसे काम करेगा डायोड? डायोड आपका रिवर्स बायस में होगा। ठीक है, मतलब कि ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। ठीक है, ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, तो मतलब कि ऐसे ये प्रकार से काम करेगा, और यहाँ पे जो वोल्टेज होगी वी इन पे, एज इट इज़ वोल्टेज मुझको यहाँ पे मिलेगी। तो यहाँ पे जो मुझको आउटपुट मिलेगा वो कैसा मिलेगा? 0.7 तक ऐसा मिलेगा। कैसा मिलेगा? ऐसा मिलेगा। कैसा मिलेगा? ऐसा मिलेगा। ठीक है, ऐसा मिलेगा। ठीक है, अब देखो, अब इसकी वोल्टेज ये 0.7 लेवल है। क्या लेवल है? 0.7 लेवल है। ठीक है,
अब एक मिनट में इसमें एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पे क्या होगा, पर समझो नेगेटिव वोल्टेज में क्या होगा। जब आप नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई कर रहे होंगे, जब आप नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करोगे तब क्या होगा भाई, नेगेटिव वोल्टेज है ये आपका डायोड ऐसे है, ठीक है, ये नेगेटिव है। आपको डायोड कनेक्ट करने के लिए क्या चाहिए था, पॉजिटिव चाहिए था, आप तो उल्टी और नेगेटिव कर रहे हो, तो अब डायोड कंडक्ट ही नहीं करेगा और यहाँ पे जो वोल्टेज होगी वही आपकी यहाँ पे वोल्टेज आपको आ जाएगी एज इट इज, मतलब आउटपुट के वोल्टेज इनपुट के वोल्टेज के बराबर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आउटपुट की वोल्टेज इनपुट वोल्टेज के बराबर हो जाएगी, मतलब कि इस प्रकार से आपको ग्राफ मिलेगा, ठीक है। उसके बाद फिर अगेन ऐसे और फिर उसके बाद में अगेन ऐसे आपको मिलेगा, ठीक है, इस प्रकार से मिलेगा। अब रुक जाओ, अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ने ये नहीं बताया कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वोल्टेज कैसे मिलेगी। कई बच्चे लिख के आते हैं सर वोल्टेज आपकी जीरो होगी, ना, ये वोल्टेज होगी आपकी 0.7। क्या होगा, ये पीक वोल्टेज की क्या हुई यहाँ पे 0.7, क्या हुई यहाँ पे 0.7, क्या हुई यहाँ पे 0.7, ठीक है 0.7 वोल्टेज हुई। जब ये डायोड जो है पॉजिटिव साइकिल में था तब यहाँ पे वोल्टेज कितनी ड्रॉप है, यहाँ पे 0.7 है। इसका रीजन समझो, ये देखो ये आपका डायोड है, ठीक है, जब इसका बैरियर पोटेंशियल कितना है 0.7 वोल्टेज है, कितना है 0.7 वोल्टेज है। तो अगर यहाँ पे आप अगर वोल्टेज दे रहे हो, अगर यहाँ पे मान लीजिए आप 20 वोल्टेज भी दे रहे हो, यहाँ पे आप 20 वोल्टेज भी अप्लाई कर रहे हो, तो ये 0.7 वोल्ट इसकी जो भले ही ये डायोड कंडक्ट कर रहा है पर यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना रहेगा 0.7 वोल्टेज फिक्स रहेगा, कितना रहेगा 0.7 वोल्टेज फिक्स रहेगा। इसलिए ये जो लेवल है यहाँ पे वोल्टेज, कई बच्चे जीरो लिख के आते हैं, जीरो नहीं रहेगा, ये 0.7 पे इसकी पीक वैल्यू रहेगी, क्योंकि डायोड पे ये इसका बैरियर पोटेंशियल है, ये अपने डायोड अपने वोल्टेज अपने अक्रॉस कितनी वोल्टेज रखेगा 0.7 वोल्टेज मिलेगा और वही वोल्टेज आपकी वी आउट पर आएगी, ठीक है। ये बात आप सभी लोगों ने समझी कि पॉजिटिव क्लिपर विद रियल डायोड में जो आपकी पीक वैल्यू रहेगी वो 0.7 रहेगी। अगर डायोड को आइडियल ले लेंगे तब ये पॉजिटिव पीक कहाँ जाएगी, जीरो जाएगी। ये सभी को समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। रियल डायोड विद पॉजिटिव क्लिपर क्या होगा ये आप लोगों ने समझ लिया होगा। इस बात को समझें कि जब डायोड को हम वोल्टेज देंगे, डायोड भले ही कंडक्ट कर रहा है, डायोड भले ही कंडक्ट कर रहा है पर डायोड अपने अक्रॉस जो बैरियर पोटेंशियल है वो कितना है उसका 0.7 वोल्ट इसका वो रखेगा, वो जीरो पोटेंशियल नहीं रहेगा, ठीक है, वो जीरो नहीं होगा, वो 0.7 वोल्टेज उसमें अपने अक्रॉस वो रखेगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से आपकी वोल्टेज आएगी। सिंपल सी बात मैं आपको ये बताऊँ कि मेरा एक सर्किट है, जैसे समझो एक रेजिस्टेंस मैंने 10K का लिया, यहाँ पे मैंने एक डायोड ऐसे लगा दिया, ठीक है। तो ये डायोड क्या है, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल रहेगी आपकी, है ना, तो ये अपने अक्रॉस अगर आप 10 वोल्ट दो 20 वोल्ट दो ये कंडक्ट कर रहा है, करंट जा रहा है, सही बात है, पर ये अपने अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितनी रखेगा 0.7 वोल्टेज इसके अक्रॉस रहेगी, ठीक है 0.7 वोल्टेज अक्रॉस इसकी रहेगी, ठीक है। ये बात आप सब लोगों ने समझ ली है और इसलिए इसकी पीक वैल्यू क्या रहेगी 0.7 रहेगी, जीरो नहीं रहेगी, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। ये सब चीज हो गई हमारी। अब आ जाओ आप नेगेटिव क्लिपर विद रियल डायोड। अभी हम लोग पूरा इसके नोट्स वोट्स सब चीज़ आपको प्रोवाइड करा देंगे पर पहले आप कॉन्सेप्ट्स में ध्यान दो कि एक्चुअल में चीज़ होती कैसी है, एक बार वो आप देखो। अब मैं बात कर रहा हूँ रियल डायोड विद नेगेटिव क्लिपर आपका क्या होगा, रियल डायोड विद नेगेटिव क्लिपर आपका कैसे सर्किट बनेगा। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे RS लगा हुआ है और यहाँ पे आपने नेगेटिव क्लिपर लगाया हुआ है और ये 0.7 वोल्टेज का ड्रॉप इसका रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे आपने एक लोड रजिस्टर RL यहाँ पे लगाया हुआ है और यहाँ पे आप ले रहे हैं Vout, क्या ले रहे हैं Vout ले रहे हैं और यहाँ पे आप Vin वोल्टेज आप दे रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर आपकी इनपुट इस प्रकार से आ रही है, ठीक है, इस प्रकार से आपकी क्या है इनपुट आ रही है, ये नेगेटिव क्लिपर है, मतलब नेगेटिव आउटपुट नेगेटिव वोल्टेज को हटा देगा, ठीक है। पर एक बात ध्यान रखना, इसमें इसका जो आउटपुट आएगा ना वो कैसा आएगा वो समझो। इसका जो आउटपुट आएगा आपका वो कुछ इस प्रकार से आएगा,
आपका ये ऐसे आएगा, कैसे आएगा, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे और फिर ये ऐसे। समझ में आ रहा है सबको? समझ में आ रहा है सबको क्या हो रहा है यहाँ पे? समझ में आ रहा है सबको? पॉजिटिव साइड तो पॉजिटिव, देखो ब्लैक रंग में मैंने क्या बनाया है, इनपुट, और रेड कलर में मैंने क्या बनाया है, आउटपुट। तो जो रेड कलर है वो क्या है, आउटपुट। पॉजिटिव हाफ साइकिल तो एज इट इज है, पॉजिटिव साइकिल तो एज इट इज है, और साथ में -0.7 तक वो एज इट इज है, क्या -0.7 तक वो ऐसे ही है, पर यहाँ तक, यहाँ पे इसके बाद क्या है, आउटपुट -0.7 पे फिक्स हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, फिक्स हो जा रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए इस सर्किट की, ये इनपुट आपको दिया जाए कि 10 वोल्ट पीक टू पीक मेरा सर्किट है, इनपुट है क्या है, 10 वोल्ट पीक टू पीक, और आपसे अगर पूछ लिया जाए कि अगर नेगेटिव क्लिपर में अगर मैं सर्किट को देता हूँ, नेगेटिव क्लिपर में इस सर्किट को मैं देता हूँ, तो मुझे बताओ इसकी पॉजिटिव पीक कितनी होगी और नेगेटिव पीक कितनी होगी। ये क्वेश्चन अभी मैं आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछूंगा, पर अभी आप समझो कि 10 वोल्ट पीक टू पीक है, मतलब कि ऊपर कितना है, 5 वोल्ट है, और नीचे कितना है, 5 वोल्ट है। ये आपको समझ में आ गया, 10 वोल्ट पीक टू पीक हो गया। तो पॉजिटिव पीक कितनी हो गई, यहाँ पे 5 वोल्ट लिखेंगे, ठीक है। और जो नेगेटिव पीक रहेगी वो कितनी रहेगी, 0.7 रहेगी, इस बात को ध्यान रखना। क्या रहेगी, नेगेटिव साइड में वोल्टेज 0.7 रहेगी, नेगेटिव पीक कितनी रहेगी, 0.7 रहेगी, इस बात को आपको समझना है, पॉजिटिव क्लिपर और नेगेटिव क्लिपर। अच्छा, अब ये कैसे कंडक्ट करा, ये ऐसा क्यों हुआ, समझ में आ रही है बात, कि भाई देखो अभी हमने पढ़ा था नेगेटिव क्लिपर के बारे में आइडियल डायोड में, तो हम क्या देख रहे थे कि यार ये डायोड तभी कनेक्ट करेगा जब ये पॉजिटिव साइड, यहाँ पे पॉजिटिव साइड हो, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव साइड हो। अगर यहाँ पे मैं वोल्टेज 0 वोल्टेज मानता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 0 वोल्टेज मानता हूँ, तो जब ये पॉजिटिव यहाँ पे अगर रहेगा तब तो ये कनेक्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये क्या बोलेगा कि मेरी जो पॉजिटिव प्लेट है नेगेटिव, तो मेरी जो पॉजिटिव प्लेट है वो हायर पोटेंशियल पे होनी चाहिए। आप बोल रहे हो सर 0 वोल्ट है, यहाँ पे मैं पॉजिटिव करूँगा, तब तो भैया हो गया काम तब तो हो गया काम, है पॉजिटिव और बना रहे हो, जबकि यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए था। ये पॉइंट हायर पोटेंशियल में तब होगा जब ये लोअर पोटेंशियल पे होगा। अब ये अगर 0 पे फिक्स कर रहे हो तो ये मतलब नेगेटिव होना होगा, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, ये कंडक्ट कर जाएगा, ये कंडक्ट आपका करेगा नेगेटिव साइकिल में, ठीक है, और ये शॉर्ट की तरह काम करेगा। पर उसमें भी समझो कि आपने बोल दिया सर ये 0 है और यहाँ पे मैं नेगेटिव करूँगा तो ये काम कर जाएगा, नहीं, अगर आप यहाँ पे -0.3 रखोगे तो ये बोलेगा मेरे को तो यार 0.7 का डिफरेंस सही था, क्या यार 0 -0.3 कर रहे हो यार तुम। फिर बोलेगा कि मैं 0.45 कर देता हूँ सर -0.5, तो बोलेगा कि क्या यार कितना पोटेंशियल डिफरेंस कर लिया तुमने, पॉजिटिव पे 0 रखा और नेगेटिव पे आपने -0.5 रखा, तो यार ये तो +0.5 हो गया, मैं तो कंडक्ट नहीं करूँगा, ठीक है भाई, ओपन की तरह रहे। फिर आपने वोल्टेज दे दी इसको 0.7 दे दी आपने, 0.7 वोल्टेज दे दी। अब आप बोल रहे कि भाई यहाँ पे -0.7 वोल्टेज है, ठीक है, ये 0 वोल्ट है, तो पॉजिटिव प्लेट में 0, नेगेटिव प्लेट में -0.7, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस निकाला 0.7 वोल्ट, अरे बोला अरे अब तो मैं कंडक्ट कर जाऊंगा। तो -0.7 के बाद में ये शॉर्ट होना शुरू करेगा, और जब ये शॉर्ट होना शुरू करेगा तब उसके बाद में इसके अक्रॉस जो वोल्टेज रहेगी वो कितनी बना के रखेगा अपने अक्रॉस वोल्टेज, नेगेटिव साइकिल में -0.7। इसलिए नेगेटिव हाफ साइकिल में जब वोल्टेज -0.7 से नीचे की ओर जाएगी, -0.7 से नीचे की ओर जाएगी, इसकी वोल्टेज क्या हो जाएगी, फिक्स, -0.7 फिक्स हो जाएगी, क्या हो जाएगी, -0.7 फिक्स हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे ना मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, इस बात को आप ध्यान से समझिएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि देखो ये जो डायोड का जो सर्किट रहता है ना, इसमें आपको इतना कन्फ्यूज़न रहता है कि यार कब प्लस लेना है कभी माइनस लेना है, ये बातें रहती हैं आपके दिमाग में। हमेशा डायोड के केस में डायोड को एक वोल्टेज सोर्स की तरह समझना, कैसे समझना, डायोड को एक वोल्टेज सोर्स की तरह समझना, कैसे, तब आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे ये एक डायोड है, क्या है, एक डायोड है आपका, है ना, इस डायोड को आप ऐसे लिखना हमेशा सर्किट में, ऐसे लिखना, ये पॉजिटिव साइड है ना, ये आपकी, और ये नेगेटिव साइड है, ऐसे समझना,
और ये समझना कि यहाँ पे एक बैटरी है 0.7 वोल्टेज की बैटरी है, ये पॉजिटिव है और नेगेटिव है। अब देखो, अब आपको सब चीज समझ में आ जाएगी, अब आपको सब चीज समझ में आ जाएगी। डायोड को आप पॉजिटिव को पॉजिटिव, माइनस को माइनस, ऐसे आप एक बैटरी की तरह रिप्रेजेंट करना, एक्चुअल में नहीं मन में, डायोड एक बैटरी की तरह ही है, डायोड एक बैटरी की तरह ही है। पर अंतर क्या है? पर अंतर इसमें यह है कि जब ये फॉरवर्ड बायस होगी तब ये शॉर्ट की तरह काम करेगी, जब वोल्टेज इसकी 0.7 से ज्यादा होगी तब ये शॉर्ट की तरह काम करेगी, और 0.7 से कम होगी तो ये ओपन की तरह काम करेगी। बस इतना सा अंतर है। तो बाकी आप इसको ऐसे बैटरी की तरह लोगे तो आपको एरो का निशान आपको समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपको ये समझना है कि यार ये नेगेटिव क्लिपर क्यों है, माइनस 0.7 क्यों है, तो इसको आप बैटरी में चेंज करोगे ना इसको, तो आप इसको ऐसे करोगे, कैसे करोगे, प्लस और माइनस, ठीक है, 0.7 की बैटरी है तो आप बोलोगे यार यहाँ पे 0 वोल्टेज है तो यहाँ पे माइनस 0.7 वोल्टेज आपकी हमेशा रहेगी, क्योंकि डायोड ये आपका कंडक्ट नहीं कर रहा तो ये माइनस 0.7 वोल्टेज इस पे रहेगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझना। डायोड को कन्फ्यूजन रहता है कि फॉरवर्ड बायस है रिवर्स बायस है, तो सिंपल करना कि डायोड को ऐसे बैटरी की तरह ले लेना, एक वोल्टेज सोर्स की तरह ले लेना मन में। एक्चुअल में वोल्टेज सोर्स की तरह इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें कंडीशन ये है, वोल्टेज सोर्स में तो क्या रहता है, वोल्टेज फिक्स रहती है, 0.7 की बैटरी ली तो 0.7 वोल्टेज बैटरी देगी, पर डायोड में क्या है कि 0.7 से ज़्यादा वोल्टेज इस साइड से आ रही है तब तो वो उसको शॉर्ट करेगी, अदरवाइज उसको वो ओपन करेगी, इस बात का अंतर इसमें रहता है। तो इसलिए यहाँ पे माइनस 0.7 वोल्टेज आएगा, इसके एरो से आपको समझना होगा। डायोड आपको कैसे बना था, ऐसे बना था, है ना, तो इसलिए आपको इस डायोड को आप कैसे रिप्लेस करेंगे, एक बैटरी से रिप्लेस करेंगे, तब आपको चीज़ों को मालूम पड़ेगा। ठीक है, तो रियल डायोड विथ नेगेटिव क्लिपर हमने सर्किट आपको समझा दिया, तो ये सारी चीज़ें भी हमने इसमें क्लिपर्स में ले ली। अब एक हल्का सा रिकैप मैं आपको देता हूँ क्लिपर्स में, और इसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी लेंगे, और क्लिपर आई थिंक हमने काफ़ी पढ़ लिया है। तो देखो स्टूडेंट्स, समझो, अब हम इसका हम बात कर रहे हैं क्लिपर की। पॉइंट नंबर वन पॉइंट लिख लो, क्लिपर क्या करता है, रिमूव करता है पार्ट ऑफ इनपुट सिग्नल, मतलब इनपुट सिग्नल के एक पार्ट को रिमूव करता है। पहला पॉइंट आप ये लिख लो, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप ये लिख लो कि एक होता है पॉजिटिव क्लिपर और एक होता है नेगेटिव क्लिपर। तो जो पॉजिटिव क्लिपर होता है वो आपका पॉजिटिव पार्ट रिमूव करता है और नेगेटिव क्लिपर आपका नेगेटिव पार्ट रिमूव करता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट आप सब लोग ये लिखेंगे, इसकी जो एप्लीकेशन क्या है, इसकी जो एप्लीकेशन है जो मैंने आपको बताई थी, एक मिनट, इसमें क्या क्या बताई थी लिख लो आप, नेगेटिव क्लिपर में क्या क्या होती है एप्लीकेशन जो बताई थी मैंने, क्या बताई थी, डेटा कम्युनिकेशन बताई थी आपको, है ना, और सर्किट प्रोटेक्शन बताई थी आपको, और वेव शेपिंग बताई थी। तीनों चीज़ आप लोग लिख लीजिए एक बार, क्या बताया था, डेटा कम्युनिकेशन में इसका यूज है, वेव शेपिंग में इसका यूज है, और सिग्नल प्रोटेक्शन में इसका यूज है। ये सारी तीन पॉइंट्स आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। फिर सर्किट जो है आपका पॉजिटिव क्लिपर का कैसे बनता है, या आपका आरएस का क्या रोल है, करंट को लिमिट करना। पॉजिटिव क्लिपर का सर्किट आपका इस प्रकार से बनता है, ये आपकी वी इनपुट है, ठीक है, और ये आपकी आर एल है, यहाँ से आपका वी आउट आ रहा है, ये आपका किसका है, पॉजिटिव क्लिपर का सर्किट है, ठीक है। इसी में जो नेगेटिव क्लिपर का सर्किट बनेगा वो कैसे बनेगा, ये आपका आर एस है, ये आपका इस प्रकार से है, और ये आपका इधर आर एल है, और ये आपका वी आउट है, ठीक है।
ये आपका क्या है, पॉजिटिव क्लिपर, ये आपका नेगेटिव क्लिपर, ये नेगेटिव क्लिपर है और ये पॉजिटिव क्लिपर है। अभी मैं नोट्स लिखा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट मैं आपको दे ही चुका हूँ कि कैसे से कैसे ये काम करेगा। तो ये चीज़ आपने लिखा दी है, फोर्थ पॉइंट आप लोगों ने लिख लिया, ठीक है। अब बात करते हैं वेव फॉर्म की। यहाँ मैं ऊपर वाले पॉइंट सबको रिमूव कर रहा हूँ, आप लोगों ने लिख लिए होंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, मैं बात करता हूँ अब रियल डायोड की बात कर रहा हूँ। तो देखो, अगर वेव फॉर्म आपकी इस प्रकार की आ रही है, ठीक है, तो पॉजिटिव क्लिपर की मैं बात करूंगा पहले। तो पॉजिटिव क्लिपर सर्किट में जो आपका आउटपुट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, पॉजिटिव क्लिपर में आपका मिलेगा ऐसा, कैसा, ऐसा, ये रेड रंग से मैं जो दिखा रहा हूँ आपको, यूं यूं, ठीक है, ये समझ में आ रहा है, दिख रहा है आपको, ये है, ये पॉजिटिव क्लिपर का आपका सर वेव फॉर्म देख रहे हो। ब्लैक कलर से मैंने दिया है इनपुट और रेड कलर से मैंने दिखाया है आउटपुट, ठीक है, ये सबको समझ में आ गई बात। अब आप देखो स्टूडेंट्स, नेगेटिव क्लिपर में किस प्रकार का सर्किट रहेगा। तो ये आपकी इनपुट वेव फॉर्म है इस टाइप से, राइट। तो नेगेटिव क्लिपर में क्या होगा, पॉजिटिव क्लिपर में क्या हो रहा है, पॉजिटिव वेव फॉर्म का सुपड़ा साफ पॉजिटिव आपको नहीं दिख रही है। नेगेटिव क्लिपर में क्या हो रहा है, नेगेटिव क्लिपर में नेगेटिव वेव फॉर्म आपको नहीं दिख रही है, पर आपका आउटपुट कुछ इस प्रकार से इसमें आएगा। नेगेटिव क्लिपर में आप नेगेटिव वेव फॉर्म हटा रहे हो, ये आपका ऐसे, यहाँ 0.7 के बाद ये आपका ऐसे, ये आपका ऐसे, ये आपका ऐसे, ये आपका ऐसे, ठीक है, दोनों बात समझ में आ गई आपको। यहाँ भी मैंने रेड कलर पे क्या बनाया है, आउटपुट बनाया है, और ब्लैक कलर का मैंने आपको इनपुट बनाया है। तो यहाँ पे आपने समझ लिया कि पॉजिटिव क्लिपर और नेगेटिव क्लिपर के वेव फॉर्म के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक और चीज़ समझेंगे हम लोग, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने आपको अभी बताया कि आपको इसका भी ध्यान रखना है कि डायोड आपको जो दे रखा होगा ना, डायोड, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वैसे, यह आपका पाँचवा पॉइंट है, यह आपका छठा पॉइंट है, कि हमेशा डायोड को पता है कैसे लेना आप, डायोड को, एक डायोड है उसका 0.7 वोल्ट जो भी इसकी बैरियर वोल्टेज है, तो डायोड जैसे ये डायोड है ना, ये प्लस है, ये माइनस है, इसको आप एक बैटरी की तरह सोचना, तब आप इसको आराम से इसको कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे वोल्टेज अगर जीरो है तो यहाँ पे कितनी रहेगी, 0.7 वोल्ट रहेगी, ठीक है, तो आपको सर्किट में वेव फॉर्म बनाने में थोड़ी आसानी रहेगी। तो यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव क्लिपर में डायोड कैसे था आपका, ऐसे था, कैसे था, ऐसे था, तो वोल्टेज आपकी बैटरी आपकी इस प्रकार से रही, तो अगर ये जीरो है तो -0.7 रही, तो -0.7 पे ये फिक्स आपको नेगेटिव पीक दे रहे हैं। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, एग्जाम में एक सर्किट दे दिया कि इसकी पीक टू पीक वोल्टेज दे दी, ठीक है, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ना वो भी यहाँ पे मैं लिखा देता हूँ, समझ जाओ कि कोई सर्किट दे दिया आपको, इसकी वी पीक टू पीक दे दी, अब बताया कि पॉजिटिव क्लिपर है, तो बताओ उसकी पॉजिटिव पीक और नेगेटिव पीक क्या होगी, ठीक है, और अगर नेगेटिव क्लिपर रहा तो उसकी पॉजिटिव पीक और नेगेटिव पीक क्या रहेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये आपको दिया कि ये 5 वोल्ट पीक टू पीक का सिग्नल है, तो इसकी मैक्सिमम वोल्टेज कितनी रहेगी आउटपुट की, 0.7 रहेगी, और मिनिमम कितनी रहेगी, माइनस कितनी, 5 नहीं, -2.5 रहेगी, है ना, 2.5। अगर ये मैंने आपको 10 वोल्ट पीक टू पीक का सिग्नल दे दिया, तो मतलब ये 5 वोल्ट पर है और ये 5 वोल्ट पर है, तो अगर इसकी पॉजिटिव पीक पूछ ली तो आप क्या बताओगे, 5 वोल्ट है सर, आपसे पूछा जाए कि नेगेटिव में कितना जा रहा है मैक्सिमम, तो आप बताओगे -0.7 इसकी नेगेटिव पीक होगी, ठीक है। तो अभी तक मेरे ख्याल से क्लिपर के सारी चीज़ें आप लोगों ने समझ ली है, अब इसमें थोड़ी सी चीज़ और रह गई है, फिर हम क्वेश्चंस भी इसमें लेंगे। अभी हमने एक चीज़ देखी थी कि यार ये डायोड हमने पॉजिटिव क्लिपर कर रहे हैं, नेगेटिव क्लिपर ले रहे हैं, और जो डायोड का जो बैरियर पोटेंशियल है उस पर ये रुक जा रही है, 0.7 पे ये आपको दे रही है। अगर मैं आपसे बोलूं यार मुझको ऐसा आउटपुट चाहिए कि यार ये -0.7 वाली जो चीज़ है ना ये हट जाए, मतलब कि सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव दो, यार -0.7 क्यों दे रहे हो भाई,
आपको मैंने ये बोला कि सर मैं एक डिजिटल सर्किट में काम कर रहा हूँ जो 0 to 5 वोल्ट की सप्लाई पे चलता है, उसको नेगेटिव वोल्टेज नहीं चलेगा, उसको पॉजिटिव वोल्टेज ही चलेगा। तो मैंने बोला ठीक है यार, इनपुट वेव फॉर्म थी आपकी और मैंने क्या यूज़ कर ली, नेगेटिव क्लिपर यूज़ कर लिया। ठीक है, नेगेटिव क्लिपर यूज़ कर लिया तो मेरे को यहाँ पे पॉजिटिव वेव फॉर्म मिल रही है, नेगेटिव नहीं मिल रही है। बट सर यहाँ पे नेगेटिव -0.7 वोल्टेज तो आप दे रहे हो ना, इसको कैसे हटाओगे? उसको कैसे हटाएंगे? क्या उसको कैसे हटाएंगे? अब हम नेक्स्ट चीज इसमें समझते हैं। तो मेरे ख्याल से काफ़ी चीज़ आप सब लोग को क्लियर हो रही होगी अभी तक। अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि किसी रेफरेंस वोल्टेज पे, यहाँ पे अगर मुझको बोला जाए कि सर इसको 0.8 तक की काटो यार, सर आप इसको 4 वोल्ट तक काटो, सर यहाँ पे आप इसको जो है ना यहाँ पे 3 वोल्ट पे काटो, यहाँ पे आपको कुछ भी मैं आपको रेफरेंस बोलूँगा, तो वैसे आउटपुट मुझको कैसे मिलेगी, है ना? ये -0.7 का पीक नहीं चाहिए सर मेरे को, यहाँ पे आप माइनस मुझे 2 तक का दिखाओ, +2 वोल्टेज का पीक दिखाओ, या फिर यहाँ पे मुझको यहाँ पे -0.7 पे काट रहे हो ना, यहाँ पे 0 पे काटो। नहीं सर मुझको यहाँ पे नहीं चाहिए, मेरे को आपको यहाँ पे दो, मुझको आप -2 वोल्ट पे आप उसको दो। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे? समझ में आई बात क्या बोल रहा हूँ मैं? वो कैसे करेंगे? तो आइए वो जानते हैं कि वो कैसे करेंगे। तो इसको मैं एक बार रब करता हूँ और आप सभी लोगों ने ये सारी चीज़ें समझ ली होंगी अच्छे से, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और प्रैक्टिकली आपको चीज़ समझ में आ गई होगी, नोट्स भी कैसे क्वेश्चन बनते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। एक मैंने आपको जो डायोड का बताया ना, बैटरी की तरह कैसे यूज़ करना है, वो देखना अभी बहुत काम आने वाला है। अभी कई बच्चों को कभी दिक्कत आती है उसको मैं बता रहा हूँ। देखो जैसे कि मैंने आपको एक चीज़ दी, मैंने आपको एक 4 सर्किट बताऊंगा, इसमें आप बताना। 4 सर्किट मैं अभी आपके सामने पेश कर रहा हूँ, 4 सर्किट मैं आपके सामने यहाँ पे पेश कर रहा हूँ। पहला सर्किट ऐसा मैंने बनाया, पॉजिटिव क्लिपर है ऊपर साइड में, ये भी पॉजिटिव रहेगा क्लिपर, यहाँ पे नेगेटिव क्लिपर रहेगा, यहाँ पे भी मैं नेगेटिव क्लिपर बनाऊँगा। ठीक है, पर यहाँ पे मैं एक रेफरेंस बैटरी ऐड करूँगा, यहाँ पे प्लस वी बैटरी में ऐड करूँगा, यहाँ पे मैं नेगेटिव वी बैटरी ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं प्लस वी बैटरी ऐड करूँगा और यहाँ पे मैं नेगेटिव वी बैटरी ऐड करूँगा। ठीक है, अब मैंने आपको ये दिया सर्किट, ये आरएस दिया, ये मैंने आपको दिया इस प्रकार से, ये दिया और ये मैंने आपको जो है ये दिया, ये प्लस ये है, नेगेटिव ये है। ठीक है, और ये मेरा जो है आरएल है। ठीक है, अब हाँ, अब मैंने आपको इस प्रकार से बैटरी लगा के दी आपको, आरएस ये है और ये है और ये है और ये है, ये माइनस है, ये प्लस है और ये आरएल है, है ना, और ये आपका वी आउट है। ठीक है, समझ आ गई बात? दोनों में अंतर देख रहे हो, ये पॉजिटिव क्लिपर है, यहाँ पॉजिटिव क्लिपर है, पर यहाँ पे डायोड मैंने बैटरी का प्लस इसके नेगेटिव से जोड़ा है, यहाँ पे डायोड के नेगेटिव से इसके नेगेटिव को जोड़ा है। डिफरेंस देख पा रहे हो आप सब लोग? अब नेगेटिव क्लिपर में बात करते हैं, तो देखो नेगेटिव क्लिपर में हम इस प्रकार से आर एस ले रहे हैं और इसमें मैं इस प्रकार से जोड़ रहा हूँ प्लस माइनस, और यहाँ पे हम लोग एक आरएल ले रहे हैं और यहाँ पे हम इस प्रकार से ले रहे हैं, राइट, ये आपका वी आउट है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स एक और चीज़, यहाँ पे वेरिएशन देखो, आरएस और यहाँ पे ये माइनस है, ये प्लस है और ये सब चीज़ आप बना लो एक बार, यहाँ पे आरएल है। ठीक है, और ये आपका वी आउट है। ठीक है, ये 4 सर्किट आप देख पा रहे हो, ये ऊपर वाले पॉजिटिव क्लिपर है और नीचे वाले आपके नेगेटिव क्लिपर है। पॉजिटिव क्लिपर में आप देख रहे हो यहाँ पे डायोड है इस प्रकार से, और इसकी पोलैरिटी देखो बैटरी कैसे जुड़ी हुई है, और यहाँ पे देखो बैटरी कैसे जुड़ी हुई है। तो 4 प्रकार के सर्किट है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन आपका एग्जाम में ये आ गया जो आता है, ठीक है, और इसको याद करने का तरीका मैं बहुत से आपको बता चुका हूँ, क्या डायोड को बैटरी की तरह यूज़ करना भाई, बहुत आसान हो जाएगा काम। पर अभी फ़िलहाल मैं आपको एक न्यूमेरिकल दे रहा हूँ और इसका जो सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में दूंगा पार्ट 2 में, और कुछ क्वेश्चंस भी करवाऊँगा मैं, पर आप फिलहाल कमेंट बॉक्स में इसका करेंगे। ये मेरा पहला क्वेश्चन है,
ये मेरा दूसरा क्वेश्चन है, ये मेरा तीसरा क्वेश्चन है और ये मेरा चौथा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन एक ही है, क्वेश्चन एक ही है। आपको YouTube के कमेंट बॉक्स में क्या लिखना है वो मैं बता रहा हूँ मैं, कि मैं आपको इनमें मैंने इनपुट वोल्टेज दिया है, ठीक है। कहाँ लिखूँ मैं, यहाँ लिख दूँ, इनपुट वोल्टेज मैं दे रहा हूँ, इनपुट वोल्टेज मैं दे रहा हूँ 10 वोल्टेज पीक टू पीक दे रहा हूँ। क्या 10 वोल्टेज पीक टू पीक मैं दे रहा हूँ इनपुट वोल्टेज। डायोड का जो बैरियर पोटेंशियल है वो है आपका 0.7 वोल्ट। क्या है 0.7 वोल्ट। और जो बैटरी की जो वोल्टेज है, बैटरी की जो वोल्टेज है वो है आपकी 2 वोल्ट। क्या है वो 2 वोल्ट, ठीक है। क्या है वो 2 वोल्ट, ठीक है। आपको बताना है ए पार्ट और बी पार्ट। ए पार्ट में आप बताएंगे पॉजिटिव पीक और नेगेटिव पीक क्या होगी, और इसका बहुत आसान तरीका, बहुत आंसर इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। आप समझो, समझो इस बात को, पहले लिख लो इस चीज़ को और खुद से सोचो। देखो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं आपको बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ और सिर्फ आप सुने जा रहे हो कथा की तरह, तो वो इतना वर्क नहीं करेगी। आपको खुद भी दिमाग लगाने का है, ये बात आपको समझने की रहेगी, ठीक है। यहाँ पे 4 सर्किट दिए हैं, इनपुट वोल्टेज आपकी सेम है। क्या है 10 वोल्ट पीक टू पीक। डायोड का जो बैरियर पोटेंशियल है वो आपका 0.7 वोल्ट है। बैटरी की जो वोल्टेज है वो 2 वोल्ट है। यहाँ पे पहला ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, आपको आंसर कैसे देना है यूट्यूब पे? सर फर्स्ट ए फर्स्ट बी। ए मतलब पॉजिटिव पीक और नेगेटिव पीक बता रहे होंगे, यहाँ पे आप थर्ड ए और थर्ड बी बता रहे होंगे, यहाँ पे आप 2A और 2B बता रहे होंगे, यहाँ पे आप 4A और 4B बता रहे होंगे, समझ गए। पहले वाले सर्किट की पॉजिटिव पीक क्या होगी, नेगेटिव पीक क्या होगी, दूसरे वाले सर्किट की पॉजिटिव पीक और नेगेटिव पीक क्या होगी, तीसरे वाले सर्किट में पॉजिटिव पीक और नेगेटिव पीक क्या होगी, और चौथे सर्किट में आउटपुट में पॉजिटिव पीक और नेगेटिव क्या पीक होगी। ये मैं आउटपुट की बात बता रहा हूँ, आउटपुट आपको बताना है पॉजिटिव और नेगेटिव पीक इन चारों सर्किट का। और नेक्स्ट वीडियो जो क्लिपर का मैं पूरा कराऊंगा, टेंशन मत लेना कि सर पार्ट वन ही आएगा, पार्ट टू भी आपको अपलोड होगा, इसका आंसर आपको बताने हैं। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी लूँगा और एक्चुअल में कुछ सर्किट में बना के नेक्स्ट में आपको ऑसिलोस्कोप में भी, ऑसिलोस्कोप समझते हैं ना, वेव फॉर्म भी दिखाऊंगा कि किस प्रकार से चारों सर्किट आपके काम करेंगे। और वो इसको करने का सबसे आसान तरीका मैंने क्या बताया आपको, क्या बताया था, बैटरी की तरह समझना डायोड को भी, ठीक है। तो इजीली क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स अगर वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ज़रूर लाइक कीजिएगा इस वीडियो को। और ये वीडियो मैंने इस प्रकार से बनाया है कि आपको प्रैक्टिकली बताऊं, रटाऊं नहीं, कॉन्सेप्ट को समझाऊं, क्योंकि एक बार आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया ना तो बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और एग्ज़ाम में क्वेश्चन एग्जामिनर किस लेवल का बना सकता है, आप उसको कर पाओगे, इस विश्वास के साथ मैंने आपको पढ़ाया है और इसी विश्वास के साथ आप इसको पढ़ रहे होंगे, ठीक है। और ये चारों क्वेश्चन, चार कितने, चार तो पार्ट है और दो पार्ट है, तो 8 क्वेश्चन आपके सामने है। अगर इन्हें आपने दे दिया तो मैं समझूंगा आपको इस चीज़ समझ में आ गई, और नहीं आई समझ में तो पार्ट टू ज़रूर देखना। पार्ट टू में इसके सॉल्यूशन बताऊँगा, कुछ क्वेश्चन और लूँगा, ठीक है। और इसमें मैं प्रैक्टिकल आपको दिखाऊंगा जो कोई दिखाता नहीं है यूट्यूब में, सिर्फ थ्योरेटिकल थ्योरेटिकल रहता है। थ्योरी टू प्रैक्टिकल आपको प्रैक्टिकल करके बताएगी कि कैसे ऑसिलोस्कोप में ये सारे सर्किट जो है काम करते हैं। इसी के साथ दोस्तों मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।